नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गोड़ स्वागत करता हूं दर्शकों। होली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। यह मांगलिक पर्व आपके जीवन में हर्षोल्लास लेके आए, इसी कामना के साथ मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। हिंदू के इस पावन पुनीत महापर्व होली पर आप कौन से ऐसे दिव्य उपाय करें जिससे आपके जीवन में हर्षोल्लास बना रहे, प्रेम बना रहे, प्यार बना रहे और जीवन में सब प्रकार की कामनाओं को आप पूरा करें। इसी से संबंधित हमारे शास्त्रों में कई उपाय जो होली वाले दिन करने चाहिए वह बताए गए हैं। उनमें से कुछ दो तीन उपाय मैं आप लोगों के समक्ष साझा करूंगा। सर्वप्रथम पहला उपाय जो है वह नजर दोष के लिए है। यदि आपको लगता है कि मेरे को बार बार में नजर लगती है या मेरे परिवार में नजर दोष है या मेरे परिवार में किसी को भी कोई प्रेत बाधा या किया कराया है या किसी ने हमारा काम को रोक दिया है या कोई हमारे ऊपर कोई जादू टोना करता है, अव्वल तो ऐसा होता नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसा है हमारे घर पर या मेरे पर या मेरे परिवार पर, तो करें ये उपाय। उपाय में आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, पीली सरसों उस पर थोड़ी सी रखनी है, थोड़ी सी आपको राई रखनी है, राई के साथ आपको 5 नमक की डली भी रखनी है, नमक की डली के साथ साथ आपको 1 सिक्का रखना है और इन सब चीजों को अपने ऊपर से 31 बार वार करके क्लॉकवाइज आपको वारना है और वार करके आपको होली माता जहां पर दहन हो रही है वहां पर जा करके होलिका माता से प्रार्थना करनी है। हे माता, कोई भी नजर दोष हो या प्रेत बाधा हो या नेगेटिव एनर्जी हो या किसी का किया कराया हो, वह सभी कुछ इस उपाय से दूर हो और मेरी मंगल कामनाएं आप पूरी करें। इसी मंगल कामना के साथ आप यह सभी सामग्री होलिका माता में अर्पण कर दीजिए, होलिका दहन में अर्पण कर दीजिए तथा हाथ जोड़कर आप घर पर वापिस आ जाइए तथा सुबह उठ करके आपको वही होलिका जहां पर दहन हुई है वहां पर जाना है और थोड़ी सी आपको राख लेकर आकर अपने घर पर आपको वह राख अपने शरीर पर हल्की हल्की मलनी है और उसके बाद में आपको जैसे स्वच्छ स्नान किया जाता है उसी प्रकार आप स्नान कर लीजिए, तो उससे जो भी आपके जीवन में नजर दो साल से 10 साल से या किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी थी वह सब प्रकार की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और आपका कार्य क्षेत्र या आप जिस कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर कार्य कर रहे हैं वह सब प्रकार से अच्छा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दूसरा प्रयोग इस प्रकार है, जिस किसी लड़की का या कन्या का विवाह में कोई बाधा आ रही है तो वह कन्या इस उपाय को करे। एक नागर पान लेना है, उस नागर पान पर आपको 5 हल्दी की गांठ रखनी है, 5 हल्दी की गांठ के साथ साथ आपको 1 सुपारी रखनी है, सुपारी के साथ साथ आपको 7 गुड़ की डली रखनी है और साथ में 1 का सिक्का भी उसमें रखना है। यह सभी सामग्रियां आपको शिवलिंग पर अर्पण करनी है तथा प्रार्थना करनी है कि हे पार्वती नाथ, मेरे जीवन में सौभाग्य से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं या गुरु ग्रह से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं वह सब प्रकार की दोष बाधाएं दूर हो और मेरे सौभाग्य में वृद्धि हो और मन इच्छित वर की मुझे प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ आपको घर पर आ जाना है और घर पर आकर आपको 2 आटे के पेड़े बनाने हैं और पेड़ों पर थोड़ी थोड़ी हल्दी लगानी है। हल्दी के साथ साथ आपको थोड़ी थोड़ी भीगी हुई चने की दाल भी उस पर रखनी है और यह सभी जो 2 पेड़े हैं यह गाय को आपको उसी दिन खिलाने हैं और उस दिन के अलावा 7 गुरुवार को यह उपाय आपको करना है। 7 गुरुवार जैसे ही पूरे होते हैं तो आपके जीवन में सहनाई का, मांगलिक कार्यों का, सौभाग्य का
योग खुल जाएगा और आपका भाग्य से संबंधित या गुरु से संबंधित जो भी दिक्कतें थी वो दूर होकर के आपको एक मन इच्छित वर की प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब मैं आपको तीसरा उपाय बताने का प्रयास करूंगा। तीसरा उपाय यह है, यदि आपको लगता है कि घर में बार बार हानि का योग हो रहा है या जो भी आप कमाते हैं वह बच नहीं पा रहा है या किसी न किसी बीमारी या खर्चे पर आपका धन अधिकाधिक खर्च हो रहा है, तो उन सभी की निवृत्ति के लिए आपको एक चौमुखा दीपक होली वाले दिन जलाना है अपने द्वार पर और उस पर थोड़ी सी गुलाल भी छोड़ दीजिए और गुलाल छोड़ करके आपको प्रार्थना करनी है, हे लक्ष्मी माँ आप हमारे घर पर स्थिर रूप में अपना स्थान ग्रहण कीजिए और साथ में जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठ करके वह दीपक किसी पीपल के पेड़ के पास में या जहां पर होलिका दहन हुई है वहां पर छोड़ दीजिए। ऐसा करने पर आपकी दरिद्रता का नाश होगा, आपका वैभव मान सम्मान और पैसे की बरकत आपके घर में होती चली जाएगी। तथा दर्शकों मैं बताना चाहूंगा, होली दहन का जो टाइम है वह रात्रि 8:59 से लेकर के 10:30 तक का है, तो उसमें आप होली मंगलाएं तो आपके लिए सभी के लिए अति उत्तम होगा, क्योंकि भद्रा रहित होली पूजने का विधान है और भद्रा 8:58 तक रहेगी। तथा दर्शकों आपको ढेर सारा साधुवाद, नमस्कार।